हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको कक्षा 11वीं की गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग अब तक की प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.2 पर पहुंच चुके थे। प्रश्नावली 1.2 में हम सवाल आपको सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें पहली सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहली सवाल में उन्होंने लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहली सवाल है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन रिक्त समुच्चय नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको रिक्त समुच्चय का रिवीजन थोड़ा सा बता देते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय, देखिए, रिक्त समुच्चय जिसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, या इसी को नल सेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें क्या होता है? एक भी अवयव क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसे फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो पहली सवाल है हमारा 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम संख्याओं को जब आप किसी समुच्चय में लिखना शुरू करेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 2 से क्या हो? भाज्य हो और वो क्या हो? विषम हो। क्यों? क्योंकि विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से भाज्य नहीं होती हैं। इसलिए जो हमारा ये समुच्चय होगा वो क्या होगा? उसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं होगा। इसलिए इसे क्या होगा? हमारा रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या कह रहा है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अगर आप सम अभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो सम भी हो और क्या हो? अभाज्य भी हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं। कौन? वे एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से क्या होती है? विभाजित होती हैं। और एक से विभाजित होती हैं वे सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, ठीक है ना। वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें उन्होंने कहा है कि आप एक ऐसी संख्याओं का समुच्चय लिखिए जो सम भी हो और क्या हो? अभाज्य भी हो। अगर हम समुच्चय लिखें तो समुच्चय में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। जो क्या है? सम भी है, अभाज्य भी है। इसलिए जो ये समुच्चय होगा वह हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? हमारे पास एक अवयव उपस्थित है। जब समुच्चय में कोई अवयव उपस्थित होता है तो वह रिक्त समुच्चय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय में हमारे पास कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर तीन में कहा जा रहा है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहे हैं यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और जो यक्ष है वो क्या है? छोटा है 5 से, और साथ ही साथ यक्ष जो है वो बड़ा है कितने से? 7 से। तो हमें क्या करना है? ऐसे एक समुच्चय लिखना है जिसमें यक्ष की जो वैल्यू हो वो 5 से क्या हो? छोटी हो, और 7 से क्या हो? बड़ी हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा में ये हम क्या प्रदर्शित करते हैं? 0।
इधर दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो ये क्या पॉजिटिव, इधर की तरफ क्या होता है निगेटिव। हमें पाँच जाना है तो ये हो गया हमारे पास एक, ये कौन, दो, ये तीन, चार, पाँच, छः और कौन, ये सात। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि आप एक ऐसा समुच्चय लिखिए जो क्या हो, जिसमें यक्ष का जो मान हो वो पाँच से क्या हो, छोटा। पाँच से छोटा मतलब ये है पाँच हमारे पास, और पाँच से छोटा के लिए आप बढ़ोगे आप तो इधर आपको इधर आना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा है और साथ ही साथ यक्ष की जो वैल्यू वो सात से क्या हो, बड़ी हो। तो ये हमारे पास सात है, अगर सात से इधर जाओगे तो सात से इधर जाना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पाँच से छोटी और सात से बड़ी के बीच में एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या हो, दोनों में हो, जो क्या हो, दोनों में हो। अर्थात ये जो समुच्चय है वो क्या है, उसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है कि पाँच से छोटी और सात से बड़ी के बीच में क्या हो, एक भी संख्या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह भी हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चौथी सवाल देखिए ध्यान से। चौथे सवाल में उन्होंने कहा है कि वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहा है, वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अतः ये भी हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्यों, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये दोनों जो समांतर रेखाएँ हैं उनमें क्या है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्या है, कटान बिंदु का है। अर्थात ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, या हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अतः ये हमारा कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दो। तो विद्यार्थियों हम लोग क्वेश्चन नंबर दो पर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर दो में हमारे पास पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर दो में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से परिमित है, क्या है परिमित समुच्चय, और कौन से क्या है अपरिमित है, क्या है अपरिमित है। ठीक है, तो परिमित का परिमित समुच्चय हमने बताया था आपको कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। अर्थात हम उनके में अवयवों की संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें हम अवयवों की संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। वे समुच्चय क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर पहली में उन्होंने कहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, बताइए ये परिमित है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि लिखा है वर्ष के महीनों का, तो वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए दिया गया जो हमारा समुच्चय है वो क्या है, परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। हमारा समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो की ओर आगे बढ़े, दूसरे के दूसरे प्रश्न में कहा है उन्होंने एक समुच्चय लिखा है एक दो तीन डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, उन्होंने यहाँ क्या कोई कंडीशन नहीं बताई है कि आपको कहाँ तक लिखता है नंबर, बस उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ एक दो और तीन ऐसे डॉट 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 कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, यहाँ अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, और यहाँ अवयवों की जो संख्या है वो भी निश्चित नहीं है। इसलिए ये जो हमारा समुच्चय है वो क्या है, अपरिमित समुच्चय है। कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो के तीसरे में उन्होंने कहा है एक दो तीन, ऐसे उन्होंने लिखा है समुच्चय एक दो तीन डॉट 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 99, फिर लिखा है उन्होंने 100। ठीक है, अब स्पष्ट है
कि हमें एक से शुरू करना है और संख्या को कहाँ तक लिखना है, 100 तक लिखना है। अर्थात यहाँ जो संख्याएं हैं, जितने भी अव्यय समुच्चय में लिखे गए हैं, इनकी गणना संभव है, इनकी गणना संभव है। अर्थात हम इन्हें क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनकी संख्या क्या है, निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। कैसे समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़े हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या कह रहे हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो ध्यान से देखिए, अगर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो समुच्चय में कैसे लिखेंगे, 100 से बड़े लिखना है तो क्या लिखेंगे, 101, 102, 103 ऐसे लिखते रहेंगे। और कब तक लिखना है, इसकी कोई भी कंडीशन आपको दी नहीं गई है। अतः आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जब समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, या अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो समुच्चय हमारे लिए क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहे हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप देख पा रहे होंगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का, अभाज्य यहां क्या शब्द आया है, अभाज्य। तो सबसे पहले अभाज्य ही समझ लीजिए कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या एक से बड़ी वे संख्याएं, किससे, एक से बड़ी। तो एक से बड़ी माइनस में तो जाना नहीं है, एक से बड़ी संख्याएं होंगी और क्या होंगी, वो स्वयं से विभाजित हो रही होंगी। किससे विभाजित हो रही होंगी, स्वयं से विभाजित हो रही होंगी। एक से बड़ी और क्या हो, स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें 99 से छोटे लिखना है और उनके पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का क्या लिखना है, समुच्चय लिखना है। तो अगर हम लोग इसे लिखना शुरू करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, फिर कौन है, 3 है, फिर कौन है, 3 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा। ऐसे आप लिखते रहोगे, आपको कहाँ तक लिखना है, 99 से छोटी। तो 99 से जो छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन है, 97 है। कौन है, 97 है। अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ समुच्चय जो दिया गया हमारा, उसमें हम अवयवों की संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, इसलिए जो ये समुच्चय है या दिया गया समुच्चय है वो भी क्या है, परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बतलाइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर से हमें क्या बताना है, समुच्चयों में परिमित या अपरिमित बताना है। ठीक है, परिमित बताना है और क्या बताना है, अपरिमित। परिमित का मतलब क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित होगी, हम उनमें क्या कर सकेंगे, अवयवों को गिन सकेंगे। जबकि अपरिमित का मतलब है, हम अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, उनमें अवयवों की संख्या क्या होगी, निश्चित नहीं होगी। तो पहली सवाल कह रहे हैं यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्ष अक्ष के समांतर, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। आपने कार्तीय तल तो देखा ही है, कार्तीय तल में ये हो गया हमारा यक्ष अक्ष, ये क्या हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है,
यक्ष अक्ष के समांतर, किसके समांतर? यक्ष अक्ष के। यक्ष अक्ष के समांतर रेखा मतलब ऐसे खींची जाएगी, उस पर उसके यक्ष अक्ष के समांतर के लिए जो रेखा होती है उसमें यक्ष बराबर क्या होता है? जीरो, और वाई बराबर क्या होता है? एक। अगर हम नीचे की ओर खींचें फिर से उसके लिए क्या होता है? एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर क्या होता है? माइनस ए। ठीक है, अर्थात हम लोगों को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक रेखा खींचिए, उन्होंने कहा कि एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर ये भी रेखा है, ये भी है, ये भी है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी रेखाएं खींचा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसलिए ये जो दिया गया हमारा समुच्चय है वो क्या है? परिमित समुच्चय नहीं है। तो क्या है? अपरिमित समुच्चय। क्या है? अपरिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं के समुच्चय को हम गिन नहीं सकते हैं कि कितनी से कितनी रेखाएं खींची गई है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय की बात करें हम लोग, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल हमारे पास कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। जब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल हमारे पास 26 अक्षर होते हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, अर्थात अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। इसलिए जो दिया गया समुच्चय है वो कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहे हैं कि उन संख्याओं का समुच्चय जो पांच के गुणज है, उन संख्याओं का समुच्चय जो पांच के क्या है? गुणज। उन संख्याओं के समुच्चय जो पांच के क्या है? गुणज है। तो ध्यान से देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय में लिखना है जो कितने के? पांच के क्या है? गुणज है। पांच के क्या है? गुणज। अर्थात पांच के गुणज अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो पांच का गुणज का मतलब होता है पांच को क्या प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए या गुणा करते हुए लिखिए। बढ़ते क्रम में पांच आएगा, फिर पांच का दूसरा गुणज हो जाएगा कितना? दस, फिर पंद्रह, फिर बीस, फिर पच्चीस। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? लिखते रहेंगे पांच के गुणजों को। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं कही कि हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है, हमें उन्होंने सिर्फ यह बताया है कि उन संख्याओं का समुच्चय लिखिए जो क्या है? पांच का गुणज। तो पांच के गुणज हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। जब इस प्रकार पांच के गुणज को लिखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। जब अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती अर्थात उनमें हम अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते तो वे समुच्चय हमारे लिए क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो यह समुच्चय भी हमारा क्या है? अपरिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, क्वेश्चन नंबर चार में कह रहे हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय की जब भी बात होगी तो हम लोग कितने जानवर लिख सकते हैं? पृथ्वी पर उपस्थित जानवरों की संख्या क्या है? निश्चित है नहीं। हम लोग क्या कुछ भी लिख सकते हैं? सांप, बिच्छू, गाय, भैंस, ऐसे करके क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत से जानवरों के नाम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत से जानवरों के नाम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ जो हमारे पास संख्या है वो भी क्या है? निश्चित नहीं है। अगर संख्या निश्चित नहीं होती या फिर हम उनमें समुच्चय में अवयवों को गिन नहीं सकते तो जो समुच्चय दिया जाता है वह क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना, तो यह भी हमारा क्या है? अपरिमित समुच्चय है। ठीक है ना, अगली सवाल देखिए,
मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, वृत्त का समुच्चय। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ इसका तीसरी सवाल में पहले क्वेश्चन को लगाया है, ध्यान से देखिए कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो ये समुच्चय हमारा क्या था, अपरिमित समुच्चय था। इसी प्रकार की एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का क्या है हमारे पास, समुच्चय है। तो मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त के समुच्चय की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्तीय तल हो जाएगा और इसमें हमारा ये क्या कहलाएगा, ऑरिजिन, जिसे हम लोग मूल बिंदु कह रहे हैं। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वृत्त हमने खींचा ये, फिर हमने वृत्त खींचा ये, फिर हमने वृत्त खींचा ये, फिर हमने वृत्त खींचा ये। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, बहुत से वृत्त बना सकते हैं जिनमें त्रिज्याएं उनकी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, लेकिन उनका केंद्र क्या रहेगा, मूल बिंदु ही रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ संख्याएं क्या है, निश्चित नहीं है। जब संख्या निश्चित नहीं होती हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, बहुत से वृत्त बना सकते हैं। इसलिए यह दिया गया समुच्चय भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इस तीसरे सवाल में पहले में क्या है हमारा, अपरिमित समुच्चय है, दूसरे में क्या है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, और तीसरी की तीसरी में है हमारा कौन, अपरिमित समुच्चय है, अगली में फिर से अपरिमित है, और अंतिम में फिर से क्या है हमारा, अपरिमित समुच्चय है। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, a बराबर b या a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब अगर a बराबर b है तो हाँ और a बराबर b नहीं है तो नहीं, बताइए। कह रहे हैं कि पहली सवाल में उन्होंने समुच्चय a लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है a b c और d, अगले समुच्चय उन्होंने लिखा है B में लिखा है B C, पहले उन्होंने D लिखा है D C B A, ठीक है। हमें यहाँ क्या बताना है, समान समुच्चय, ये जो जो चीज़ यहाँ लिखी है A बराबर B, इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, समान समुच्चय, क्या बता रहे हैं, समान समुच्चय। ध्यान से देखिए समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय में दो समुच्चयों की बात होती है, कितने समुच्चयों की बात होती है, दो समुच्चयों की बात होती है। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय कौन कौन से हैं, ए और क्या है बी, कौन कौन से ए और बी, तो कह रहे हैं कि ए और बी समान समुच्चय तब कहलाएंगे, ए और बी समान समुच्चय तब कहलाएंगे जब ए के अवयव और बी के अवयव क्या हो, आपस में बराबर हो, तो हमारा जो दोनों समुच्चय रहेगा वो क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। अर्थात आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी हमारे पास कितने अवयव हैं, तीन हैं, यहाँ भी हमारे पास कितने हैं, तीन हैं, इसलिए दोनों समुच्चय हमारे क्या हैं, समान समुच्चय है। और उसका एक और भी रीजन है, यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ भी ए, यहाँ बी, यहाँ बी और यहाँ कौन सी, क्रम चाहे जो भी हो, क्रम चाहे जो भी हो, लेकिन अवयव वही होने चाहिए, तब हमारा a बराबर क्या कहलाता है, b, और इसे ही क्या बोलते हैं, समान समुच्चय बोलते हैं। तो यहां आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समुच्चय समान नहीं है। तो पहली वाली लाइन में उन्होंने पहली सवाल उन्होंने लिख रखा है a b c d, दूसरे समुच्चय उन्होंने लिखा है d c b a, तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और यहाँ कौन है, डी, अर्थात ए बराबर क्या है, बी है, अतः समुच्चय क्या है, अतः समुच्चय समान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो में देखिए, ए समुच्चय उन्होंने लिखा है 2 4 8, दो नहीं है सॉरी, 4 8
12 और हमारे पास यहाँ क्या है 16, ठीक है। और बी में उन्होंने लिखा है समुच्चय बी में 8, 12, 8, 8 × 4, 16 और कौन है 18, ठीक है। यहाँ देखिए उन्होंने कहा है कि सवाल में भी बताइए कि ये जो समुच्चय है वो क्या है, समान है अथवा नहीं। सबसे पहली बात देखें तो यहाँ हमारे पास कितने अवयव हैं, 4 हैं। यहाँ हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। समान समुच्चय हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि जो अवयव हैं वो भी समान है कि नहीं, हमारे पास यहाँ कितना है, 4 है। यहाँ भी कितना है, 4 है। यहाँ कितना है, 8 है। यहाँ भी कितना है, 8 है। यहाँ कितना है, 12, लेकिन इस समुच्चय में 12 नहीं है, इस समुच्चय में 12 नहीं है, इसलिए ये दोनों जो समुच्चय है वो आपस में समान समुच्चय नहीं है, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू बी समुच्चय। अतः समुच्चय समान नहीं है, अतः समुच्चय समान नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल 3 देखिए ध्यान से। सवाल 3 में कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 ए बराबर जो हमारा समुच्चय है वो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और समुच्चय बी में उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स, क्या हुआ कहा है, यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है, क्या है, सम धन पूर्णांक है, सम धन क्या है, पूर्णांक है, और यक्स जो है वो छोटा है और बराबर है कितने से, 10 से, छोटा है और बराबर है कितने से, 10 से। तो ध्यान से देखिए ए बराबर हमारे पास कितना है, 2, 4, 6, 8, 10। सबसे पहले तो इस पर ध्यान दीजिए, ये जो विधि में लिखी है ये कौन सी विधि है, गुण विधि है। कौन सी विधि है, गुण विधि है, या समुच्चय निर्माण विधि है। इसे हम लोग किस फॉर्म में, रोशर फॉर्म में या तालिका विधि में लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा जो समुच्चय बनेगा वो क्या हो जाएगा, सम लिखना है और धन पूर्णांक लिखना है। तो क्या लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 10 से छोटी या 10 के बराबर हो सकती है, 10 से बड़ी नहीं हो सकती। अब देख लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं, यहाँ हमारे पास 3, 2, 5 अवयव हैं, यहाँ भी हमारे पास 3, 2 कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। अब हम अवयवों को मिला लेते हैं, यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ भी हमारे पास कितना है, 4 है, यहाँ हमारे पास 6 है, यहाँ भी हमारे पास कितना है, 6 है, यहाँ हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फिर से कितना है, 8 है, ये कितना है हमारे पास, 10, तो ये भी हमारे पास कितना है, 10। अर्थात सभी अवयव आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर क्या है, बी। अतः समुच्चय क्या है, अतः समुच्चय समान समुच्चय, अतः समुच्चय क्या है, समान है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर का है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स, क्या कह रहे हैं, समुच्चय एम उन्होंने लिख रखा है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का एक गुणज है, ठीक है। और बी में उन्होंने लिखा है समुच्चय बी में उन्होंने लिखा है क्या, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। सवाल ये है आपकी, अब इस सवाल को देखना है और देख के हमें ये बताना है कि जो समुच्चय है उसमें a बराबर b है कि नहीं है। यदि a बराबर b है तो समुच्चय क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्मेट आपको समझ आई होगी, ये फॉर्मेट कौन सी है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। हम इस फॉर्मेट को सबसे पहले रोशन फॉर्म या तालिका विधि में बदलेंगे तो ये हमारी जो फॉर्मेट बन के आएगी उसमें उन्होंने कहा 10 का एक गुणज है। 10 का क्या है, एक गुणज है। 10 का एक गुणज होने का क्या मतलब है, 10 का एक गुणज है मतलब 10 लिखिए, 10 अभी हमने 5 का गुणज लिखा था उसी हिसाब से 10 का गुणज लिखिए, 10, 20, 30, 40 कोई लिमिट उन्होंने नहीं, कंडीशन उन्होंने नहीं कही है कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इसलिए आप ऐसे लिख के क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। फिर आगे
समुच्चय बी देखिए, समुच्चय बी में 10, फिर कौन है 15, लेकिन यहाँ तो 15 नहीं है, यहाँ कौन है 10 तो मिल गया, 10 तो मिल गया, फिर यहाँ कौन है 15 है जो कि यहाँ नहीं है। और हमने परिभाषा क्या पढ़ी है कि जो दोनों समुच्चय होने चाहिए उनमें अवयव की संख्या के साथ साथ अवयव भी सेम होने चाहिए, इसलिए ए बराबर कौन बी नहीं है। अतः हमारा जो समुच्चय है, अतः समुच्चय समान नहीं है, अतः समुच्चय समान नहीं है, ठीक है। अगले सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 में हमारे पास 4 ही सवाल थी, सवाल नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पाँच में कह रहे हैं कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म क्या है, समान है, मतलब हमें फिर से किसके बारे में बताना है, समान समुच्चय के बारे में, समान समुच्चय, ठीक है ना, समान समुच्चय के बारे में। समान समुच्चय की परिभाषा तो आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। वो कह रहे हैं पहली सवाल में कि उन्होंने एक सेट लिखा है ए, सेट लिखा है ए जिसमें उन्होंने अवयव लिया है 2 और 3, फिर उन्होंने एक सेट समुच्चय लिया है बी, क्या लिया है समुच्चय बी, समुच्चय बी में उन्होंने लिखा है यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6=0 का एक हल, का एक हल। तो सबसे पहली बात हल है, सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहली बात तो ये रोशन फॉर्म में है, ये कौन सी फॉर्मेट है, गुड विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम लोग किसमें, रोशन फॉर्म या तालिका विधि में बदलेंगे। तो आपको स्पष्ट हो रहा है यहाँ जो समीकरण लिखा है, इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = कौन 0, यहाँ कौन सा नंबर है हमारे पास, यहाँ 1 है, सबसे पहला हमारा क्या होता है 1 का यहाँ क्या होता है गुणा होता है, तो हमारे पास कौन मिला 6, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 का हमें ऐसा खंड करना है कि ऐड करने पर हमारे पास कितना मिले 5 मिले, और मल्टीप्लाई गुणा करने पर 6 और ऐड करने पर कितना 5। तो हमने देखा कि 6 के गुणनखंड हमने करा तो 6 × 1 हो गया, फिर हमने गुणन करा 3 × 2 हो गया, और हम लोग कर सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 और 3 × 2, बात एक ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 × 1 से तो 6 गुणा करने पर मिल रहा है, लेकिन जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। अगला हो जाएगा 3 × 3 × 2, 3 × 2 में 3 और 2 जोड़ने पर 5 हो रहा है, और गुणा करने में कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 + 2 एक्स प्लस 6 = 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 + 6 = 0, इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे हम, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, इन दोनों में हम लोग x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, हमारे पास बचेगा कौन x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। भैया फिर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल यदि 0 है तो कोई तो एक होगा जो 0 होगा, अर्थात यदि x प्लस 3 बराबर 0 हुआ तो x बराबर हो जाएगा -3, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास -2, अर्थात जो हमारा बी सेट मिला है उसमें कौन कौन से हैं हल में, -3 और -2, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ए को बी से क्या कीजिए, तुलना कीजिए, ठीक है। अब अगर आप ए को बी से तुलना करोगे तो ए जो होगा वो बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए में 2 है, इसमें -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कौन है -3 है, अर्थात पहला वो जो है वो हमारा क्या है, समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर दो देखिए, कह रहे हैं पहली बात तो उन्होंने 2 समुच्चय लिखा है, क्या लिखा है 2 समुच्चय, पहला समुच्चय ए है यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, शब्द फॉलो एफ ओ
डबल एल ओ डब्लू का एक अक्षर है, का एक अक्षर है, ठीक है। और दूसरा समुच्चय उन्होंने लिखा है वाई सच दैट वाई शब्द डब्लू वुल्फ, वुल्फ का एक अक्षर है, अक्षर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम समुच्चय की जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को बदलेंगे। समुच्चय की जो फॉर्मेट है वो कौन सी फॉर्मेट है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि है। तो हम लोग इसे किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो रोस्टर फॉर्म इसकी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, एफ कामा ओ कामा एल कामा क्या डब्ल्यू, ठीक है ना। इसी प्रकार से बी का लिखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू कामा ओ कामा एल कामा क्या एफ, ठीक है ना। तो ये हमारा दोनों समुच्चय आप देखिए, इसमें भी चार अवयव, इसमें भी चार अवयव, और यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है, यहाँ ओ है यहाँ ओ है, यहाँ एल है और यहाँ भी एल है, और यहाँ भी डब्ल्यू यहाँ भी क्या है डब्ल्यू है, अर्थात ए बराबर हमारे पास क्या है बी। अतः समुच्चय समान समुच्चय है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो हमें सबसे पहले सभी समुच्चयों को क्या कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। ध्यान से देखिए, सभी समुच्चय जब हम लोग लिखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, समुच्चय ए 2, 4, 8 और 12 है, समुच्चय बी हमारे पास है 1, 2, 3, 4 है, समुच्चय सी है हमारे पास 4, 8, 12 और 14 है, समुच्चय डी है हमारे पास 3, 1, 4, 2 है, समुच्चय ई है हमारे पास -1 और 1 है, समुच्चय एफ है हमारे पास 0 और 1 है, समुच्चय जी है हमारे पास 1 और -1 है। इसी प्रकार से हमारे पास समुच्चय एच है 0 और क्या है 1 है, 0 और क्या है 1। उन्होंने कहा है कि इसमें से क्या कीजिए, समुच्चयों को छांटिए और समुच्चयों में जो समुच्चय समान है उन्हें क्या कीजिए, लिखिए। तो आप देख पा रहे होंगे समुच्चय एम हमारे पास 2 है 4 है 8 है 12 है, तो कोई इनमें से कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें 2, 4, 8 और क्या हो 12 हो, वो समुच्चय क्या हो जाएगा, उसके समान हो जाएगा। तो आप देखें बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, 4, 8, 12, 14 यहाँ 14 नहीं है और यहाँ का 2 इसमें नहीं है, तो इस प्रकार हमारे पास ए का कोई भी समान समुच्चय नहीं है। बी की बात करें तो बी में 1, 2, 3, 4 है। उसी प्रकार अगर डी देखिए तो डी में कौन है, 1, 2, 3 और 4 है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो बी है वो बराबर किसके है, डी के। बी किसके बराबर है, डी के, मतलब ये दोनों कैसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं। आगे देखिए और कोई नहीं है। इसी प्रकार से सी भी किसी में समान समुच्चय नहीं है। डी देखिए, डी तो किसके समान हो गया, बी के हो गया। ई देखिए, ई किसके समान है, -1 और 1 ई, फिर किसके समान है, जी के समान है, अर्थात हम लोग ई किसके समान लिख सकते हैं, जी के, ठीक है ना। ई जो है वो किसके समान है, जी के है, और हमारे पास कोई और समुच्चय नहीं है। यहाँ ए है, इस वजह से ये इसके क्या है, समान नहीं है, नहीं तो समान हो जाता। तो हमारे पास 2 ही ऐसे समुच्चय हैं जो क्या है, समान समुच्चय है, ठीक है ना। बी किसके, डी के, ई और किसके, जी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।